मेरा नाम है अनुराग। दोस्तों, रॉयल एनफील्ड की जो सेल है सितंबर के महीने में 50% से ज़्यादा गिर चुकी है, और इसका रीज़न क्या है, क्या सही मायने हैं, क्या लोग सच में रॉयल एनफील्ड को इतना नापसंद करने लग गए? देखिए, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हुआ क्या है, एक्चुअली बता देता हूँ आपको सारी बात ताकि आपको अच्छे समझ में आए। देखो, सितंबर 2021 मतलब अभी पिछले महीने में जो सेल हुई है, टोटल जो प्रोडक्ट बिके हैं रॉयल एनफील्ड के, वो बिके हैं इंडिया में 27,233, जबकि अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, पिछले साल की बात करें, इसी महीने की, सितंबर महीने की, तो उसमें रॉयल एनफील्ड के 56,200 जो है टोटल बाइक्स बिकी थी। तो ये जो है डी ग्रोथ हुई है सेल 52% के लगभग। अब इतना तकड़ा डी ग्रोथ होने का मतलब है कि कंपनी के बज्जे बज सकते हैं। अब लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या है, एक्चुअली कारण क्या है, क्या सच में लोग इससे परेशान हो चुके हैं रॉयल एनफील्ड से, या खरीदना नहीं चाह रहे बाइक इसकी, हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो सेल है ये है क्या, जितनी बाइकें बिक चुकी हैं ये वे हैं जो बाइकें सेल हुई हैं, सोल्ड करी है रॉयल एनफील्ड ने, उनका डेटा है ये, ठीक है। जो बुक हुई हैं उनका डेटा नहीं है, जो सोल्ड हुई हैं उनका डेटा है। तो देखो, इसके कुछ रीज़न मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हो रहा है। देखो, इस महीने सेल डाउन क्यों हुई है, इसके कुछ रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन चीज़ है कि आपको पता होगा कि सेप्टेम्बर के पहले ही दिन रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च हुई थी। अब जिन लोगों को ये बात पहले, क्योंकि पहले ही सबको पता लग चुकी थी कि भाई रॉयल एनफील्ड की नई क्लासिक 350 आने वाली है, तो क्लासिक BS6 मॉडल बिकना जो है बहुत कम हो गया, क्योंकि सब लोगों को पता था नई क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है। और जब नई क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आई तो लोगों ने उसको एकदम खरीदना शुरू नहीं किया, कहीं पर वो एकदम अवेलेबल नहीं थी, और धीरे धीरे कोई भी प्रोडक्ट आता है तो धीरे धीरे उसको पसंद करते हैं। अब यहीं पर क्या हुआ, जो दूसरा कारण है वो इसी से जुड़ा हुआ हुआ आया है क्या, कि लोगों ने उसको इतना पसंद नहीं करा। कई सारे लोगों को उसमें लुक्स में कमी मिली, कई सारे लोगों को उसमें किक नहीं थी इस वजह से ना पसंद आई, कई सारे लोगों को उसमें फील नहीं आई क्योंकि आवाज़ वैसी नहीं आ रही थी, तो उनको पुराने वाला वही मॉडल जो है पसंद आ रहा था, जो BS6 मॉडल अब तक आ रहा था। यहाँ पर रॉयल एनफील्ड ने एक गलती करी मेरे हिसाब से, जो क्लासिक 350 BS6 मॉडल को एकदम से जो बंद किया वो उसको शायद नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों, अब जो तीसरा रीज़न मैं आपको बताता हूँ वही बता देता हूँ। देखिए, ABS की जो ECU कंट्रोल यूनिट होती है वो शॉर्ट है मार्केट में, मतलब वो उसकी जो सप्लाई है वो ही शॉर्ट चल रही है, इसकी वजह से डिले हो रही है, मतलब मिल नहीं रही है गाड़ी एकदम से, तो उसकी वजह से भी सेल पर फ़र्क पड़ा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं कि जो बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग नाराज़ हुए रॉयल एनफील्ड से, वो हुआ उसके प्राइस को लेकर। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, मैंने बुलेट 350 खरीदी थी सितंबर में 2020 में, तब से लेके अब तक बुलेट 350 के 3 बार प्राइस बढ़ चुके हैं, और जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आई थी वो चौथे लेवल के प्राइस पर आई थी, मतलब कि 3 बार जब हमारी क्लासिक 350 BS6 बाइक चल रही थी उसमें 3 बार प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुके थे, जब क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आई तो वो और भी उससे प्राइस इंक्रीज़ होकर आई। तो कई सारे लोग ये सोच रहे हैं कि भाई 2.5 लाख रुपए की बाइक खरीदूंगा, इससे बढ़िया तो मैं कोई 2.5 लाख रुपए की कुछ साल पुरानी गाड़ी खरीद लूँ, तो इस तरह की सोच भी है, इस तरह कमेंट्स आते हैं मेरे पास। दोस्तों, एक चीज़ और है, मीटियोर की जो डिलीवरी है उसकी बस भगवान ही जाने कौन सी क्या टाइमिंग है उसका, क्योंकि मेरे पास इस तरह के कमेंट भी आते हैं मीटियोर की डिलीवरी को लेकर, कि लोगों जिन लोगों ने 5-5, 6-6 महीने से बुक करा रखी है वो भी मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें भी अभी तक इस बाइक की डिलीवरी नहीं मिली है, तो उसकी भी डिलीवरी बहुत ज़्यादा डिले हो रही है, तो सेल वे भी नहीं हो रहे प्रोडक्ट। और मैंने जैसे आपको बताया कि किक नहीं है बाइक में, आवाज़ पसंद नहीं आ रही लोगों को, लुक्स पसंद नहीं आ रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन को पसंद नहीं कर रहे, पुराने वाली क्लासिक 350 BS6 मॉडल को ज़्यादा पसंद कर रहे थे। और नेक्स्ट रीज़न दोस्तों ऐसा है कि जब क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन आई है तो लोगों का, बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि क्योंकि क्लासिक 350 नेक्स्ट जनरेशन की जो फील है और जो बाइक्स ओवरऑल जो बाइक है वो लगभग जावा जैसी और हाइनेस जैसी ही है, होंडा हाइनेस जैसी, और वे बेटर ऑप्शन है इससे, तो उसकी तरफ भी कुछ लोग जा रहे हैं, जावा और हाइनेस की तरफ। तो दोस्तों, ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की जो सेल है वो डाउन हुई है। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो मैंने प्राइस की बात कही है ना, मैं आपको ये बता देता हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं प्राइस जो मैंने आपको बताए हैं वो जब शोरूम पर जाते हैं,
तो वो जब शोरूम पर ये पूछते हैं कि भैया क्या प्राइस है, तो कभी भी ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये प्राइस किस तरीके से आप बता रहे हो। तो एक चीज़ और स्पेशल बात है रॉयल एनफील्ड के साथ में, मैंने हर शोरूम में देखा है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में तो ये चीज़ देखी है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, कि प्राइस के साथ में एसेसरीज, एक्सटेंडेड वारंटी, लेग गार्ड, रोड साइड असिस्टेंट, ये सब चीज़ें जोड़कर ऐड करके बताई जाती है, तो 10-12 हज़ार रुपये और महंगी हो जाती है बाइक। तो दोस्तों ये सारे रीज़न जो है ना, ये रॉयल एनफील्ड को समझने चाहिए। और एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, जो ECU का जो प्रॉब्लम चल रहा है कि पार्ट अवेलेबल नहीं है, कई सारी बाइक बाजार में आ रही हैं, कहीं ऐसी शॉर्टेज नहीं आ रही और कंपनियों के साथ में, तो मैं आपको ये बता दूं कि उनका स्टॉक कंपनियां रखती हैं अपने पास, लेकिन रॉयल एनफील्ड उसको लगातार ऑर्डर करती रहती है, तो इसकी वजह से ये इशू भी रॉयल एनफील्ड के साथ में आ रहा है। तो दोस्तों ये सारे रीज़न थे जिसकी वजह से रॉयल एनफील्ड की जो सेल है बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, और आई होप कि ऐसा ना हो आगे, इस चीज़ पर ध्यान दे रॉयल एनफील्ड, कुछ ना कुछ करे इसमें और सही चीज़ दे, बढ़िया चीज़ दे, फटाफट से बाइक डिलीवर करे। आज की वीडियो यहीं तक थी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, चैनल मेरा जरूर जरूर सब्सक्राइब कर दिएगा, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, टेक केयर।